डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने विकास खंड बेलघाट में तैनात सफाई कर्मी अमरनाथ की 23 मई को मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी शकुंतला देवी को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसके संबंध में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 23 मई को बेलघाट में तैनात सफाई कर्मी की किसी बीमारी की वजह से आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसको देखते हुए उनकी पत्नी शकुंतला देवी को कागजी कार्यवाही शीघ्र पूरा कराकर नियुक्ति पत्र सौंपा गया है, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके और जीवन जीने में कोई कठिनाई न आए। उन्होंने कहा, बेलघाट में ही उनकी पोस्टिंग की है, जिससे उनको आने जाने में किसी तरह की असुविधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, मैडम आपका क्या नाम है और आपके पति का क्या नाम था? ये किस ब्लॉक में कार्यरत थे? बेलघाट। इनके पति की असामयिक मृत्यु हो गई थी, उनके स्थान पर इनको लगभग एक महीने के समय में इनको नियुक्ति दी जा रही है, मृतक आश्रित कोटा से, ताकि इनका परिवार का भरण पोषण हो सके और उनको हम इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करते हैं, अपनी नौकरी को सही से निभाएं और पंचायत का नाम रोशन करें। धन्यवाद। पत्र वितरण किया गया, सब क्या हुआ? हाँ, बेलघाट में 23 मई को एक सफाई कर्मी की मृत्यु हो गई थी, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी किसी बीमारी की वजह से, तो उसके जगह पर उनकी पत्नी जो शकुंतला देवी हैं, उनको जो भी कागजी कार्रवाई थी उसको जल्दी पूरा करा करके हम लोगों ने उनको जो उनको NOC चाहिए था या जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र था, सारे प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, निस्तारों का को जल्दी से जल्दी करा करके जो भी वैधानिक कार्रवाई थी उसको पूरा करा करके, विधिक कार्रवाई थी उनको पूरा करके उनको कल हम लोगों ने नियुक्ति पत्र सौंप दिया, ताकि उनके उनके परिवार का भरण पोषण हो सके और वो आराम से अपनी नौकरी करके जो भी है बेलघाट में उनको पोस्टिंग कर दिया गया, ताकि वो अपना और जो उस गाँव का विकास में अपना योगदान कर सकें। सर, ये पोस्टिंग नज़दीक गांव से नज़दीक है? हाँ बिल्कुल, चूँकि वो महिला हैं, विधवा हैं, तो वो जहाँ पर रहती हैं उससे 8 किलोमीटर के अंदर ही हम लोगों ने 3 किलोमीटर लगभग वहाँ पर उनकी पोस्टिंग कर दी है, ताकि वो जाने आने में उनको कोई सुविधा ना हो, अपना काम करें और जो भी अपने परिवार का भरण पोषण करें और जो सरकारी ड्यूटी है उसको निभाएँ।